Hello, my dear students. Today we have a grammar topic, chapter 1, letters of the alphabet. Children, अभी तक आपने letters को memorize या learn किया है. But in this video, we will study more about them. Okay? Let's start. The English alphabet has 26 letters. देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स आपने लर्न किए हैं. 26 ए टू जेड 26 लेटर्स लर्न किए हैं अब तक, ठीक है. लेकिन अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसके कि वो जो 26 लेटर्स होते हैं वो भी कितने टू टाइप्स में और फर्दर डिवाइड होते हैं, डैट इज़ वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. तो लेटर्स ए ई आई ओ एंड यू आर वॉवल्स. वॉवल्स कौन कौन से लेटर्स होते हैं? ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है. और जो रिमेनिंग लेटर्स बच जाते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं. लेटर्स बी सी डी एफ जी एच ऑल आर ये एम एन पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. ओके चिल्ड्रेन, अब आपको याद हो गया होगा कि जो ए ई आई ओ यू है वो वॉवल्स हैं. उनको छोड़ के बाकी जितने लेटर्स बच जाते हैं हमारे पास वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. एंड वी हैव ओनली 5 वॉवल्स, ठीक है. सिर्फ 5 ही वॉवल्स होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, नाउ अबाउट कॉन्सोनेंट्स, ओनली 21 कॉन्सोनेंट्स आर देयर. सो 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स. टोटल कम्स टू 26 लेटर्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन दिस इज समथिंग यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड. ओके, वी कैन नॉट फॉर्म अ सिंगल वर्ड विदाउट वॉवल्स. मतलब हम वॉवल्स के बिना कोई भी एक वर्ड नहीं बना सकते. हर एक वर्ड में एटलीस्ट एक वॉवल तो होता ही है. मीन्स वी रिक्वायर एटलीस्ट 1 वॉवल टू मेक एनी इंग्लिश वर्ड. मतलब कोई भी इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए उसमें एक वॉवल होता ही है. लाइक फॉर एग्जाम्पल बुक, सी ओ वॉवल है ना इसमें. बैट बी ए टी, इसमें भी ए वॉवल है. सी ए टी कैट, इसमें भी ए वॉवल है. एच ओ एम ई, इसमें भी ओ एंड ई क्या है? वॉवल. एंड ऐसी और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें वॉवल होना ज़रूरी होता है, ठीक है. Sometimes semi-vowel y does the function of the vowel. For example, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये dry है, fry, cry, shy, ये भी words हैं, ये भी English के words हैं, लेकिन क्या इसमें vowel है क्या? D R Y, vowel कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, लेकिन dry में तो A, E, I, O, U में से है ही नहीं. ना फ्राई में है, ना क्राई में है, ना शाय में है. लेकिन इन वर्ड्स को इन्होंने क्या किया है? वाई ऐड किया है, डी आर वाई. तो वाई क्या करता है? कभी कभी वॉवल का रोल प्ले करता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेमी वॉवल लेटर. ओके, नाउ मोर अबाउट वॉवल्स. वॉवल्स हैव सम स्पेशल साउंड्स. वॉवल के क्या होते हैं? एक हैव स्पेशल साउंड्स होते हैं, अलग अलग साउंड्स होते हैं. वॉवल कैन हैव 1 और मोर साउंड. वॉवल के एक या एक से ज़्यादा साउंड्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द लेटर ए हैज़ डिफरेंट साउंड्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स. जैसे आप देखो इस पिक्चर में, देखो इस लेटर में, देखो ए डबल पी एल ई एप्पल, सेकेंड वन ए आर एम आम, थर्ड वन बी ए के ई आर बेकर. अब ए लेटर देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. एप्पल ए ए एप्पल, इसमें ए आ रहा है ए से. इसी में ए वॉवल से कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? आम आम, इसमें अ अ हो रहा है.
एंड द थर्ड में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बी ए के ई आर बेकर, इसमें ए से क्या बन रहा है, ए बे ए ए, ओके। तो देखो ए ने ही थ्री डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करे हैं, तो वॉवल्स में भी क्या होते हैं, अलग अलग एक से ज़्यादा साउंड्स वॉवल प्रोड्यूस करते हैं, अ वॉवल कैन हैव वन और मोर साउंड्स, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड more about vowels and consonants with the help of exercises. So let's begin with the exercise. Exercise A. The names of the following start with a vowel. Write their names. अब आपको इसमें क्या करना है, ये जो pictures बने हुए हैं आपको क्या करना है, इनमें ये vowel से start होते हैं, ये जितने भी pictures हैं ये vowel से start होते हैं, तो आपको इसके name लिखना है. First one is आइसक्रीम, आइसक्रीम में आई इज द वॉवल, ठीक है। सेकेंड में इग्लू, दिस इज इग्लू, दिस पिक्चर इज इग्लू, और ये इग्लू किससे स्टार्ट होते हैं, आई, तो आई क्या है, वॉवल। थर्ड पिक्चर में एंट है, एंट ए, इसमें ए क्या है, वॉवल, ओके। नेक्स्ट इज एप्पल, एप्पल, तो हेयर ए इज वॉवल। फिफ्थ ऑक्स, ओ यहाँ पे क्या है, वॉवल है। एंड द सिक्स्थ वन इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ पे यू क्या है, वॉवल। अब देखा वॉवल कितने सारे वर्ड्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या है, वॉवल्स। नाउ कम टू एक्सरसाइज बी, राइट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट विद विच बिगिन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लेटर लिखना है, सिर्फ वन लेटर लिखना है, जो सिर्फ आपको एक अल्फाबेट का वन लेटर लिखना है, जैसे कि ये बटर, जैसे कि इन पिक्चर को देख के ये जो वर्ड है ना उसका बस आपको फर्स्ट लेटर लिखना है। इस पिक्चर को क्या लिख, ये क्या है, बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई का फर्स्ट लेटर क्या होता है, बी होता है। सेकेंड पिक्चर में ये गर्ल है, तो गर्ल का फर्स्ट लेटर जी। थर्ड हैन, हैन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एच। फोर्थ वन इज फिश, फिश का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एफ। देन इसका फर्स्ट लेटर क्या है, जे, जग है ये। देन दिस इज स्टार, ये स्टार है, तो स्टार का फर्स्ट लेटर एस होता है। ये मंकी है, मंकी का फर्स्ट लेटर एम। ये काइट है, काइट का फर्स्ट लेटर के। नाइन्थ वन दिस इज रैबिट, रैबिट का फर्स्ट लेटर आर। ये पैरट है, पैरट का फर्स्ट लेटर पी। एरोप्लेन का फर्स्ट लेटर ए। एंड द लास्ट वन इज ट्रेन, तो ट्रेन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, टी, ओके। नाउ नेक्स्ट, मदर वेंट टू अ मॉल, मम्मी मॉल में गई, शी बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो क्या क्या बहुत सारे थिंग्स खरीद के लाई, चीज़ें खरीद के लाई। फॉर्म पेयर्स, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स, पुट वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल अंडर ग्रुप ए एंड वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट अंडर ग्रुप बी। अब मम्मा ये सारी चीज़ें मॉल से ख़रीद के लाई है, अब आपको बोला गया है कि ग्रुप ए में वो वाले वर्ड लिखो जो वॉवल्स हैं, और ग्रुप बी में आपको वो वर्ड लिखना है जो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ग्रुप ए में आप देखो फर्स्ट क्या है, आइसक्रीम है, आइसक्रीम किससे स्टार्ट होता है, आई से, तो वो आप ग्रुप ए में लिखेंगे आइसक्रीम। फिर ग्रुप बी में आता है सेकेंड वाला है क्या है, बटर, तो बटर किससे स्टार्ट होता है, बी इज़ कॉन्सोनेंट, तो ग्रुप बी में लिखो। थर्ड इज़ पोटैटो, तो पोटैटो का पी किससे स्टार्ट होता है, वो पी से होता है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट, ग्रुप बी में जाएगा पोटैटो थर्ड वाला। फोर्थ ओनियन, अनियन किस में जाएगा, ओ से स्टार्ट हो रहा है ये, तो ये क्या है, वॉवल, तो ग्रुप ए में लिखना है आपको। फिफ्थ एप्पल, ए इज़ वॉवल, तो ग्रुप ए में लिखो। सर्फ एक्सेल, इट इज़ डिटर्जेंट, ठीक है, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं, तो डिटर्जेंट स्टार्ट्स विद डी एंड दैट इज़ कॉन्सोनेंट, सो राइट इट इन ग्रुप बी। देन बर्गर, बर्गर का बी कॉन्सोनेंट, ग्रुप बी में लिखेंगे आप। सैंडविच, एस से स्टार्ट होता है, तो वो भी ग्रुप बी में जाएगा। देन जैम, जे इज़
consonant, then write it in group B. Then egg, spelling of egg is E-double-G, so E is vowel, so write it in group A. Then ink, 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 I is vowel, write it in group A. Then last is oil, oil means tel, so oil O se start hota hai, O, फिर क्या है वॉवल, ये आप ग्रुप ए में लिखेंगे. ओके चिल्ड्रन, नाउ यू ऑल आर सपोज टू डू दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक. थैंक यू. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी वीडियो एज सून एज इट इज़ अपलोडेड. थैंक यू.